वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पांडास के अंदर बिल्डिंग स्टाइल्स। अब नाम से क्लियर बिल्डिंग स्टाइल इट मीन्स व्हाट, तो बच्चों मैं आपको यहाँ बताऊँ कि बिल्डिंग स्टाइल मतलब जो भी हमारा पांडा के अंदर डेटा है उसे हम किस फॉर्मेट में कितनी अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कोई नॉन कंप्यूटर हैंड हो या फिर नॉन ऐसा व्यक्ति हो जिसको डेटा के बारे में या इन्फॉर्मेशंस के बारे में या किसी कॉलम्स रो के बारे में मालूम ना हो, तो भी वो इसे क्या कर सकता है, इजीली समझ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का क्या है, बिल्डिंग स्टाइल टॉपिक है। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ बिल्डिंग स्टाइल, है ना। बिल्डिंग स्टाइल क्या होती है, किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, तो देखिए क्या लिखा है, पासिस यू स्टाइल फंक्शन इन द फॉलोइंग मेथड। अगर हम बिल्डिंग स्टाइल फंक्शन को पास करना चाहते हैं पांडा के अंदर, तो हमें दो मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? स्टाइलर अप्लाई मैप कॉलम एलिमेंट वाइज और स्टाइलर अप्लाई कॉलम रो टेबल वाइज। मतलब हम इस तरीके से डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रो और टेबल वाइज या एलिमेंट्स वाइज भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश फंक्शन का यूज़ करके उपयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, है ना, इसकी हम थ्योरी, इसी थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि वॉट इज़। तो देखिए, बोथ ऑफ द मैथड ऑफ फंक्शन कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट अप्लाई योर फंक्शन इज डेटा फ्रेम। मतलब दोनों फंक्शन जो प्रीवियस मैंने आपको बताए डेटा फ्रेम में क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। स्टाइलर डॉट एप वर्क डेटा फ्रेम एलिमेंट पासिस ऑफ इच कॉलम और रो, है ना। इसको हम इच कॉलम मतलब किसी भी कॉलम किसी भी रो में परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा फ्रेम वन एट अ टाइम और इंटर टेबल वन एक्सिस इज अ कीवर्ड इन आर्ग्यूमेंट, और दोनों एक्सिस कीवर्ड के आर्ग्यूमेंट के साथ यूज़ हो जाती है, है ना। यूज एक्सिस जीरो और एक्सिस वन इंटर टेबल आर इज एक्सिस नो, मतलब जीरो से भी स्टार्ट होती है, वन से भी स्टार्ट होती है और नन भी कर सकते। फॉर स्टाइलर एप योर फंक्शन स्केलर रिटर्न अ सिंगल CSS एट्रीब्यूट वैल्यू। ये हमारी कैस्केंडी स्टाइल शीट जो होती है HTML के अंदर, उसकी हेल्प करके यूज़ की जाती है। स्टाइलर एप योर फंक्शन इन सीरीज डेटा फ्रेम विद द आइडेंटिकल शेप्स और स्केलर कैस्केंडी शीट। मतलब ये दोनों डेटा फ्रेम में क्या होती है, यूज़ होती है। तो ये दो तरह की मेथड को यूज़ करके हम अपने फंक्शन को स्टाइलिश फॉर्मेट में, अपने टेबल को स्टाइलिश फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखें, तो देखिए हमने यहाँ दो फाइल को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट पांडाज एज NP, इंपोर्ट नंपा एज NP। यहाँ पे एक हमने रैंडम नंबर ले लिया 24, एक यहाँ पे पांडा की सीरीज बनाई, है ना। उसके बाद हमने एक कॉन्किनेट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आईलॉग जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे, है ना, इटरेशन में, वहाँ आईलॉग फंक्शन को अप्लाई करा। बोथ आर रेंडिंग डेटा वैल्यू है जो स्टाइलिश आपको क्या दे रही है, DF, मतलब जो भी चीज़ हमें चाहिए डेटा फ्रेम स्टाइलिश के फॉर्मेट डिस्प्ले होनी चाहिए। अब ये स्टाइलिश के फॉर्म में किस तरीके से डिस्प्ले होती है, तो देखिए इसको डिस्प्ले करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसका आउटपुट कुछ स्टाइलिश फॉर्म में कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे A B C D E, है ना। उसके बाद 0 से 9 तक की सीरीज और लास्ट सीरीज को हमने एज अ टेबल ब्लू कलर में डिफाइन किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका क्या है बच्चों, बिल्डिंग स्टाइल्स का एक एग्जांपल डेटा फ्रेम के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ किया है। क्लियर हुआ? चलिए अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग स्टाइल की समरी। समरी बताने से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे और भी अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं, है ना, जैसे हमें मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है, मिनिमम नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स में भी आप अगर पीछे बैक में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे स्टाइल के आगे आप डॉट करके अप्लाई लिखेंगे अगर, है ना, और यहाँ पे एज ए ब्रैकेट में लिख देंगे कि मैक्सिमम नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो वो आपको मैक्सिमम नंबर के अकॉर्डिंग भी डेटा क्या करके देगा, डिस्प्ले। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हम एक्सेल चलाते हैं, तो एक्सेल में हम जो शीट होती है उसे अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, उस तरीके के अलग अलग फॉर्मेट में हमें ये देता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, समरी की। तो बिल्डिंग समरी देखिए,
बिल्डिंग समरी में हमें आपको स्टाइलिश में कैस्केंडी स्टाइलिश CSS का यूज़ होता है। इसे हम एलिमेंट वाइज भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी यूज़ कर सकते हैं, रो वाइज भी यूज़ कर सकते हैं और टेबल वाइज भी इसका क्या कर सकते हैं हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों फाइनर कंट्रोल। फाइनर कंट्रोल स्केलिंग क्या होती है, इसमें भी हम दोनों ही मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें सबसेट कीवर्ड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसकी स्टाइल रो और कॉलम दोनों पे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना, विदाउट हैविंग द कोड। अगर आपके पास कोड नहीं है तो भी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरीके से सबसेट को पास करेंगे, तो स्केलर आइटम कॉलम के वाइज पास कर सकते हैं, सीरीज में भी पास कर सकते हैं और टपल्स या नंबरो फंक्शंस में भी आप इसे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या था आपको, ये आपका क्या था, फाइनर कंट्रोल था कैस्केडी स्टाइल शीट का। क्लियर, चलिए अब बच्चों इसमें हम नया देखें अगर, तो देखिए किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास मान लो कोड नहीं है, लेकिन आपको वैसे एक डेटा फ्रेम है ना, उसके बाद आपने अप्लाई फंक्शन किया, आपको सिर्फ मैक्सिमम फंक्शन को हाईलाइट करना था, ठीक है, और सबसेट कौन से कीवर्ड में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना था, तो राइट बी सी और डी, तो ये पूरी लिस्ट में से आपने आपको क्या करा, मैक्सिमम नंबर्स को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है बच्चों, फाइनर कंट्रोल है कि आप आपके टेबल्स को किस तरीके से कंट्रोल रख सकते हो, किस तरीके से उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक, फाइनर कंट्रोल के भी अलग अलग डिस्प्लेइंग मेथड्स होती है। चलिए अब बच्चों हम इसमें नया देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइनर कंट्रोल डिस्प्ले वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि हम किसी वैल्यू को क्या करें, पर्टिकुलर डिस्प्ले करें, तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए विच एक्सचेंज द डिस्प्ले वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल स्टाइलर टू कंट्रोल द डिस्प्ले वैल्यू, द टेक्स्ट इज प्रिंटेड फॉर इच सेल। हर टेक्स्ट को क्या करना है, सारे सेल में क्या करना है, डिस्प्ले करना है ना। स्टाइलर फ्रेम कैन बी फॉर्मेटेड एज अ स्केलर स्ट्रिंग एंड सिंगल वैल्यू रिटर्न द स्ट्रिंग। किसी भी सिंगल वैल्यू को हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो df डॉट स्टाइल डॉट फॉर्मेट, मतलब हमने क्या करा, 2% की किसी भी वैल्यू को डिस्प्लाइड कर दिया, तो वो हमें नीचे देखिए इस तरीके से आउटपुट देगा। अब बच्चों ये सारे प्रोग्राम्स को आप किसके अंदर रन करके देख सकते हैं, तो इन सारे प्रोग्राम को डेफिनेटली रन होंगे और इसे आप एनाकोंडा के अंदर क्या कर सकते हैं, पांडा हमने एनाकोंडा के अंदर चलाया है ना, एनाकोंडा जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है, हम उसके अंदर इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, इसके और भी बहुत सारे टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको बुक में या फिर गूगल पे मिलेंगे, आप चाहें तो वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट बच्चों मैंने आपको बहुत ही अच्छा और स्मॉल एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्प्ले करके दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बिल्डिंग बुलेटिन स्टाइल, ये क्या होता है, तो ये फाइनली क्रिएटिंग अ सर्टन फंक्शन टू इंक्लूड अ बिल्ड इन, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो बिल्ड इन हो, जिसमें कुछ भी चीज़ नहीं हो, है ना, नन हो, तो हम उसे क्या करें, तो देखिए हाईलाइट किया हमने नन फंक्शन को किस में, रेड कलर में, तो इस पूरे में जहाँ जहाँ नन है वो क्या करेगा, रेड कलर को डिफाइन कर देगा। तो देखिए सी और डी में है, तो उसने रेड कलर से आपको डिफाइन करके दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, बुलेटिंग स्टाइल फंक्शन है। और भी अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें या इसके अलग अलग स्टेटमेंट्स की बात करें, तो शेयरिंग स्टाइल्स भी है ना, और अदर स्टाइल्स भी हैं, कैप्शंस भी है, हेडलिंग कॉलम्स भी है, ठीक है, और हेड और टेल भी है। तो हेड और टेल तो हम प्रीवियसली ये डिस्कस कर चुके, ऐसे बहुत सारे टाइप के फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, पर जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और जो इम्पोर्टेंट्स होती है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके समझाई। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने अपने टेबल्स को किस तरीके से हम स्टाइलिश में डिफाइन कर सकते हैं ये सीखा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।